पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, धन कुमारी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, धन कुमारी भाई जिंदाबाद, श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं गुजारिश के साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही, हम सबकी नेता बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता, मैं बहन जी से गुजारिश करते हैं कि इस जनसमूह को संबोधित करने की कृपा करें। मान्य आए मान्य बहन जी, जोरदार ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जोरदार ताली बजा। यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट में बीएसपी सपा व आरएलडी के बने इस गठबंधन की लोकसभा चुनावी महारैली में इकट्ठा हुए इन पार्टियों के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग अपने इस बने गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को भी सुनने के लिए यहाँ रामपुर शहर में बड़ी भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही आज आप लोगों की इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टी अर्थात बीजेपी एवं आरएसएस को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने वाले खासकर मोहम्मद आजम खान इस बार अपनी रामपुर लोकसभा की सीट से यहां अपनी ऐतिहासिक जीत जरूर दर्ज कराने वाले हैं। चाहे बीजेपी व आरएसएस के लोग इनके विरुद्ध कितनी भी शरारतपूर्ण व घिनौने किस्म किस्म के हथकंडे क्यों ना इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिर भी जीत यहाँ से केवल हमारे गठबंधन के इन्हीं उम्मीदवार की होगी। इनके साथ साथ गठबंधन के हमारे यहाँ मुरादाबाद लोकसभा की सीट से सपा के उम्मीदवार श्री एसटी हसन व संबल की सीट से भी सपा के उम्मीदवार श्री शफीकुर रहमान बर्क भी ये चुनाव भारी वोटों के अंतर से जरूर जीतेंगे, जिसकी हमें पूरी पूरी उम्मीद भी है। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी
तथा अन्य और पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी पूंजीवादी संकीर्ण सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से ये जरूर बाहर चली जाएगी, केंद्र की सत्ता में फिर से वापिस आने वाली नहीं है। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की भी ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश में आम जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए बुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। मुझे मालूम हुआ है कि आपके रामपुर जिले में भी बीजेपी के बहुत से चौकीदार इधर घूम रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें, तो भी ये केंद्र की सत्ता में इस बार वापिस होने वाले नहीं हैं। और इसकी मुख्य वजह ये है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों वे अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके खास चहेते वे बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और भी ज़्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है, जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज़्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसके साथ ही यहाँ किसानों के गन्ना सहित अन्य और फसलों का भी बकाया पड़ा व इनकी कर्ज माफी का मामला तथा इन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी ज़्यादातर अब इनकी सरकारी फाइलों में या फिर इनकी खोखली बयानबाजी में ही सिमट कर रह गई है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही इनकी खासकर जातिवादी हीन व सांप्रदायिक सोच के चलते हुए यहाँ देश के दलितों,
आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत कोई खास गरीब लोगों की हालत में भी कोई खास सुधार नहीं आया है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ी है। और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। और ख़ासकर कांग्रेसी सरकार में वो फोर्स का मामला और अब वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी राफेल का घटित हुआ मामला भी इस बात का खास सबूत है। और यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मालूम है कि जब केंद्र में कांग्रेस पावर में थी तो इसी बोफोर्स के मुद्दे के ऊपर तो जब पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए थे कि इस कांग्रेस की हुकूमत में तो बोफोर्स के मामले में तो इनकी खरीद फरोख्त के मामले में तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि उस समय 1989 में फिर कांग्रेस पार्टी इसी करप्शन को लेकर तो बोफोर्स वाले मुद्दे को लेकर तो केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई थी। और अब बारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अब राफेल के मामले में जो गड़बड़ी हुई है इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर तो केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ही यहां आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक अपने देश के काफ़ी ज़्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व में रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अब अपनी इन सब कमियों व विफलताओं पर से अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए भी इन्होंने एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही उनके विरुद्ध
जबरन सीबीआई ईडी व आईटी आदि का भी काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है जो अभी भी लगातार जारी है। और अब मेरा यही कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस बीजेपी वे अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं तो वे देश में आम जनहित के मामलों में ज्यादातर विफल ही साबित हुई हैं, जिन्हें अब आप लोगों को इस चुनाव में या केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर काबिज नहीं होने देना है, जिनको आप लोग काफी ज्यादा आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश करेगी, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव के दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश या विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस संबंध में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बन के रह गया है, जबकि आप लोगों को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपनी अधिकांश चुनावी जनसभाओं में ये कहा था कि यदि केंद्र में बीजेपी पावर में आ गई तो सत्ता में आते ही अपने देश का जो काला धन विदेशों में जमा है उसे 100 दिनों के अंदर अंदर अपने देश में वापस लाकर उसे फिर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिया जाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, रामपुर जिले के लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग बताएं तो इन 5 वर्षों में क्या किसी भी एक गरीब व्यक्ति को 1 रुपया भी मिला है सरकार की ओर से? इसके साथ ही ये कहते रहे कि हम गरीब लोगों के लिए फ्री में मकान बना कर देंगे, आप लोग बताएं कितने लोगों को फ्री में मकान मिले हैं? जबकि उत्तर प्रदेश में जब मेरे नेतृत्व में सरकार थी तो मैंने उत्तर प्रदेश में माननीय श्री कांशीराम जी के नाम से शहरी विकास योजना शुरू करके तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बड़ी तादाद में जिन लोगों के पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं थे तो 2-2 कमरों के हमने पक्के मकान भी बना कर दिए थे, जो जमीन पे आपको नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि जब बीजेपी के लोग आप लोगों से कहें
आप हमें वोट दो, तो आप लोग उनको यही जवाब देना चाहिए, हम वोट आपको तभी देंगे पिछले पहले पिछले पांच वर्षों का जो आपने वायदा किया था उनका हिसाब दो, उनका हिसाब दो। वो आपसे वोट मांगे, आप बोलो पहले अपना हिसाब दो। तो पांच वर्षों के अंदर यानी कि पिछले लोकसभा के आम चुनाव में जो इन्होंने वायदे किए थे अच्छे दिन दिखाने के, लेकिन इन्होंने पूरे पांच वर्षों में वायदा खिलाफी की। एक ही काम किया, जो बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठ हैं उनको माला माल बना दिया, और कुछ लोगों को तो इन्होंने विदेश में भी भेज दिया, वो मजे में अपना रह रहे हैं, वहां भी कारोबार चला रहे हैं। तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना होगा। और अब ये भारतीय जनता पार्टी अब किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी कमियों पर से विफलताओं पे से आपका ध्यान बांटना चाहती है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की भी कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं बल्कि अभी चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनकी सरकार को भी इस मामले में पूर्व में यहाँ देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है, जिसके कारण ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब फिर से चुनाव में खासकर इस पार्टी ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। और वैसे भी केंद्र और राज्यों में हर 5 वर्ष में यहाँ ज्यादातर सत्ता परिवर्तन ही होते रहते हैं, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी पूरी व्यवस्था करेगी। और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या यहाँ हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। इसलिए बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेकों किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी यहाँ अति गरीबों को व अन्य जरूरतमंद लोगों को भी कतई नहीं आना है। इसके साथ ही यहाँ मैं गठबंधन के लोगों को ये भी सावधान करना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस चुनाव में भी पूर्व की तरह जहाँ विरोधी पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए इनके खड़े किए गए उम्मीदवारों को भी अपना वोट इन्हें अपने यार दोस्त रिश्ते नातों जाति बरादरी व धर्म आदि के चक्कर में भी पढ़कर इनको बिल्कुल भी देकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका थोड़ा बहुत लाभ यहाँ विरोधी पार्टियों को ही मिल सकता है। इस प्रकार यहाँ अपने गठबंधन के लोगों को इन सब बातों को ध्यान में रखकर पहले इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकना है, और फिर आगे चलकर इस पार्टी को उत्तर प्रदेश की भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। अर्थात पहले केंद्र में मोदी को और फिर उत्तर प्रदेश में योगी को भी इस बार सत्ता से जरूर बाहर करना है, तभी फिर यहाँ केंद्र में वे उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के शुरू से ही चल रहे इनके खासकर जातिवादी संकीर्ण सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण व पूंजीवादी तथा अन्यायी अहंकारी व तानाशाही वाले राज से भी काफी कुछ निजात मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही
अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल ये अपने बने इस गठबंधन को ही देना है, जो ये केंद्र में अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ पूरे देश में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही आपके उत्तर प्रदेश की केंद्र से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाएगा। और इस मामले में आपके क्षेत्र का, आपके रामपुर जिले का हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा देश में आम जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में खास ध्यान रखा जाएगा। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि हमने यहाँ गठबंधन के तहत आपके रामपुर लोकसभा की सीट से सपा के उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान को यह चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने यह मंच पर मौजूद हैं। इनके साथ साथ हमने गठबंधन के तहत तो आपके बिल्कुल नज़दीक ही मुरादाबाद लोकसभा की सीट लगी है, तो हमने गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी से तो मुरादाबाद लोकसभा की सीट से तो श्री एसटी हसन को और संभल की जो लोकसभा की सीट है वहाँ से सपा के ही उम्मीदवार श्री शफीकुर रहमान वर्ग को भी चुनाव के मैदान में उतारा है, और जिनको जिताने के लिए अब आप लोगों को तो समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह साइकिल है, इन तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए आप लोगों को समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह साइकिल है, साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है। और खास तौर से मोहम्मद आजम खान को, क्योंकि आपके रामपुर में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो खास तौर से मोहम्मद आजम खान को आप लोगों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर आप लोगों को जिताना है। और बीजेपी के खास तौर से जो चौकीदार जिन्होंने इस चुनाव को खराब करने की कोशिश की, तो बीजेपी के चौकीदार को जो जवाब आपको देना है तो इस सीट को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताकर आप लोगों को देना होगा। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय लोहिया व जय भारत। और अब मेरे बोलने के तुरंत बाद ही हमारे बीच में तो सपा प्रमुख, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव भी यह मंच पर मौजूद हैं, तो अब ये अपनी बात तो अपने इन तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए आप लोगों से पुरजोर अपील करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इनकी बात को भी ध्यानपूर्वक सुने और अपने उम्मीदवारों को आप लोग कामयाब बनाने का तहिया लेकर ही आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में तभी वापिस जाएंगे, और वोट वाले दिन अपना एक एक वोट आप लोग अपने उम्मीदवार को जरूर देंगे। आपका वोट उस दिन कोई रह ना जाए, हर पोलिंग बूथ पे आपको देखना है कि आपका वोट कोई डलने से ना रह जाए, एक एक वोट आप लोगों का जरूर पड़ना चाहिए। ये मेरे आप लोगों से पुरजोर अपील है।
हमारी माताएं बहनें भी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे भी अपील करती हूँ कि वोट वाले दिन तो आप लोग तो अपने परिवार में पुरुषों को, घर में कोई बुजुर्ग है बीमार है उसको तो जरूर जलपान आदि करा देना, नाश्ता करा देना, वरना बाकी किसी को भी आप जलपान में नाश्ता आदि नहीं कराना है, ना खुद करना है, बल्कि सबसे पहले अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाकर आप लोगों को अपना वोट डालना होगा। तो मैं यही आप लोगों से दरखास्त करते हुए अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।